मैं खड़ी हूँ जगदल के जो है नया बाजार एरिया में, जो कि रुस्तम गुमटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी मस्जिद का जो सीधे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के ठीक सामने यही वो स्पॉट है जहाँ पर जो है कल शुक्रवार की शाम को यहाँ मोहम्मद टिंकू को गोली मार दी गई थी। मोहम्मद टिंकू ये बात को समझ रहा था, जो कि आज दिख रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुई है। फुटेज जारी होने के बाद में ही देखा जा रहा है कि तीन अभियुक्तों ने उसे किस तरीके से घेर करके उसे गोली मार दी। यहाँ पर वो गिर पड़ा था, जहाँ पर हम स्पॉट को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी खून के निशान पड़े हुए हैं। और जो सिचुएशन है इलाके का वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कल यहाँ पर भारी तनाव था और भारी तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की जो है यहाँ पे व्यवस्था देखने मिल रही है। यहाँ पर पुलिस की जो है टीम जो है यहाँ पर एक्टिव है। पूरी रात पुलिस की टीम ने यहाँ पर पूरे इलाके में जो है छानबीन की है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत हम बोल सकते हैं कि यहाँ की दुकानें जो हमेशा खुली रहती है, ये एक बाजार इलाका है, जगदल का बाजार इलाका, जहाँ पर चहल पहल रहती है। लेकिन आज जो है वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें बंद है, पूरी तरीके से पुलिस की निगरानी यहाँ पर बनी हुई है। নিজের মধ্যে ঝগড়া ছিল ও তার জন্য ঘটনা ঘটেছে যেটা আমরা বুঝতে পারছি ঠিক আছে না না আমরা চারদিকে টহল করাচ্ছি এগুলো ঘটনা যাচ্ছে ফার্দার হবে না কন্ট্রোল করা হয়েছে সব বড় কিছু নেই না সব জায়গায় চেষ্টা করেছে কন্ট্রোল করতে সেরকম ঘটনা ঘটেনি একটা দুটো হয়েছে বাট ওটাও আর হবে না ঠিক আছে ব্যবস্থা নিচ্ছে না সিরে কারো ইঞ্জুরি গণেশ বলে একজনের নাম উঠে এসেছে গণেশ सीधा सीसीटीवी कैमरा में आया है कि किसने किसको मारा है। ये झगड़ा कई दिनों का इनका चल रहा है, महीनों वर्षों का झगड़ा है। दोपहर में भी एक झगड़ा हुआ था जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारा था। ये दूसरा पक्ष उस पहले पक्ष को खोजने के लिए गया था मारने के लिए, तो वहाँ पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष को मार दिया। ये दोनों का दोनों जो टीम है ये ड्रग्स एडिक्ट हैं और ये पत्ताखोरों की लड़ाई है और इससे कोई भी सामाजिक कोई लेना देना इनका नहीं है। अब इसको कुछ लोग रोटी सेकते हैं, लेकिन हमारी पुलिस जो है सक्रिय है, हमारे यहाँ का लोकल विधायक सक्रिय है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी सीपी बैरकपुर लोकल विधायक अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ होता है तो उसका कुछ रिएक्शन है, उसमें पुलिस कुछ लोग तो होते हैं कि लूटपाट के लिए ही पैदा लिए हैं, तो उनको पुलिस चिन्हित कर रही है। जो लूटपाट वाले हैं उनको चिन्हित कर रही है, उनको किसी से मतलब नहीं होता, लूटपाट ही करते हैं। उनके लिए न कोई धर्म है, न कोई जाति है, न पार्टी है, वो सिर्फ लूटपाट करते हैं।